नमस्कार, इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली खबर एनआईए और ईडी की रेड से जुड़ी है। एनआईए और ईडी ने मंगलवार को पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक के कोलार से 6 और असम से 25 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। एनआईए और 9 राज्यों के एटीएस एक साथ एक्शन में है। यह पीएफआई पर छापेमारी का दूसरा राउंड। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सॉर्शन सेल ने फरार आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी रियाज भाटी को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रियाज के खिलाफ रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है। इसके बाद की खबर बिहार से है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से जदयू केंद्र सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने में लगी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जदयू के दूसरे नेता जनता के बीच भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जदयू के नेता पटना की सड़कों पर उतरे, सतर्कता मार्च निकाली भाजपा के खिलाफ निकाले इस मार्च की अध्यक्षता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की। इस मार्च में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एमएलसी नीरज कुमार समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है, धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है और उनके इस अभियान के खिलाफ हम लोग जन जागरण अभियान पूरे प्रखंड में, आज बिहार के हर प्रखंड में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, इस मार्च के माध्यम से हम लोग आम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि समाज में तनाव पैदा कर दो, समाज में जो भाईचारा है उसको समाप्त कर दो ताकि बिना कुछ किए हुए लोग उनके पक्ष में गोलबंद हो जाएं और उनको वोट दे दें। उनकी इस साजिश के खिलाफ आज हम लोग जनता को, आम लोगों को सचेत करने के लिए सड़क पर उतरे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना वापस लौटे हैं। पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला, साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक बड़ी चुनौती भी दे डाली। दरअसल तेजस्वी यादव हरियाणा में हुए सम्मान रैली में शामिल होने गए थे। तेजस्वी यादव के हरियाणा दौरे पर भाजपा कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी से जब इस बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि भाजपा वालों को जो कहना है कहने दीजिए, इन लोगों का आपस में ही कॉम्पिटिशन है। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि 2024 में बिहार में क्या होने वाला है यह सबको पता है, भाजपा की बेचैनी का कारण भी यही है। पिछले बार 40 में से 39 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2024 में एक भी सीट जीत ले तो बड़ी बात हो। इन लोगों को तो आपस में जो कहना है कहने दीजिए, इन लोग का अपना कंपटीशन है और सबको अपना काम करना है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना काम कर रहे हैं। खासकर सीएम साहब दिन में ही सपना देख रहे हैं, एक करके चलेंगे, सबको सबको मतलब नतीजा आपको पता है बिहार का क्या होने वाला है। बेचैनी तो है ही ना भाई, जो 40 में से 39 जीते थे, अब वो संभव है क्या? अब तो 40 में से एक जीत जाए वही बहुत बड़ी। बिजनेसमैन अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्लैक मनी केस में बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा कि वह ब्लैक मनी एक्ट के तहत अभी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। दरअसल अनिल अंबानी के ऊपर आरोप है कि स्विस बैंक के 2 खातों में उनके 814 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा हैं जो अघोषित हैं। साथ ही उन्होंने इस ब्लैक मनी पर 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है, ऐसा आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट ने इसी मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं नासा ने मंगलवार को एक नया इतिहास रच दिया। अंतरिक्ष में धरती से 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर नासा का अंतरिक्षयान डाइफॉर्मस नामक एस्टेरॉयड से टकरा गया। नासा ने पहली बार किसी प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी डॉट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब भविष्य में धरती के ऊपर अगर किसी तरह के एस्टेरॉयड को टकराने की आशंका होती है तो इस टेक्नोलॉजी से पृथ्वी को बचाया जा सकता है।
की बड़ी खबर बॉलीवुड से है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 की घोषणा हो गई है। इस बार यह अवार्ड अभिनेत्री आशा पारेख को मिला है। 30 सितंबर को उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के काम को सम्मानित करने के लिए हर साल दादा साहब फाल्के अवार्ड का आयोजन किया जाता है। आशा पारेख 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आशा अभिनेत्री के साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।